आपका क्या फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है? आर यू पॉजिटिव अबाउट इट और लाइक व्हाट्स योर फर्स्ट? वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. प्लीज बेयर विद मी. मेरा आई हैव अ थ्रोट इन्फेक्शन, सो अगर कुछ क्लैरिटी ना हो तो यू कैन आस्क मी अगेन. दिस इज अ बिग क्वेश्चन आस्क भाई मैम. इस क्वेश्चन का आंसर मैं कई घंटों तक भी दूँ तो भी शायद कंप्लीट नहीं होगा. बट सर्टेनली इफ आई हैव टू से इन शॉर्ट फॉर्म एंड इन अ नटशेल दैट सर्टेनली फॉर द टाइम बींग देर आर टीदिंग प्रॉब्लम्स, देर आर इश्यूज इन GST. बहुत सारे इश्यूज हम लोग फेस कर रहे हैं डे टू डे लाइफ. बट द वे इट हैज़ बीन ड्राफ्टेड, द काइंड ऑफ लेबर एंड द एफर्ट्स दैट हैज़ बीन पुट इन बाई द गवर्नमेंट एंड बाई द प्रोफेशनल एसोसिएशंस लाइक आवर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड द वे वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, इट्स वेरी श्योर दैट इन द ड्यू कोर्स, दैट इज मे बी 2 or 3 years डाउन द लाइन, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैज़ एवर हैपन्ड सिंस इंडिपेंडेंस इन द कंट्री. इससे अच्छी कोई चीज़ इंडिया में हुई नहीं है कंसोलिडेशन ऑफ वेरियस लॉज के लिए. बिकॉज अगर हम बात करते हैं तो यू नीड टू सब्सटांशिएट व्हाई यू आर सेइंग सो. मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हमारा GDP इम्प्रूव हो जाएगा या इसलिए GST अच्छा है. GST इसलिए अच्छा है क्योंकि हमारे लॉज के जो क्रिएशन या जो मैकेनिज्म थे उस मैकेनिज्म में देर वर सर्टन फ्लॉज इन द सेंस कि हम कई बार या कई ट्रांजेक्शन्स पे टैक्स के ऊपर टैक्स भरते थे विच वॉज इम्पैक्टिंग द पॉकेट ऑफ नॉट ओनली द डोमेस्टिक रेजिडेंट्स जो इंडिया में रहते हैं, केवल उनकी पॉकेट पे इम्पैक्ट नहीं होता था बट इट वॉज इम्पैक्टिंग द बिजनेस एज अ होल. हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे बिकॉज हमारी कॉस्टिंग बहुत ऊपर आती थी. इम्पोर्ट हम ज़्यादा रिलाई करते थे एंड बिकॉज ऑफ दैट द इंडिजिनस जो इंडस्ट्रीज थी वो मर रही थी या वो कम्पीट नहीं कर पा रही थी. सो ऑल दोज इश्यूज वर ऑन अ वेरी लार्ज स्केल एंड इट वॉज बींग कैरिड ऑन सिंस 1954 जब वर्ल्ड में पहली बार VAT का कंसेप्ट लाया गया. तब से लेके हम लोग कोशिश कर रहे थे कि GST आए एंड 2004 में वी हैव प्रपोज दिस एंड 2017 वी हैव सीन दिस एज अ रियलिटी एंड दैट इज़ द कंसेप्ट विच आई एम टेकिंग सेइंग इज कैस्केडिंग इफेक्ट. जब आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो उसके ऊपर टैक्स भरते हो, फिर उसको फर्दर आप प्रोसेस करके फिर दूसरा टैक्स भरते हो, फिर प्रोसेस करके तीसरा, तो टैक्स के ऊपर आप टैक्स भरते हो तो कॉस्टिंग आपकी इंप्रूव होती है. नाउ दैट हैज़ टू बी रिड्यूस्ड एंड दैट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड वंस द GST इज देयर. इनपुट टैक्स क्रेडिट, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सो फार एज GST इम्प्लीमेंटेशन इज देयर. अभी शुरुआत में थोड़े इशूज हैं बट सर्टनली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी ऑल आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस GST इन दिस कंट्री. थैंक यू. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. थैंक यू SMB कनेक्ट एंड साहिबा फॉर पुटिंग दिस क्वेश्चन फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो कि वॉट इज एक्चुअली अ GST एंड हाउ इज इट हेल्पिंग द SME सेक्टर टू टेक इट फॉरवर्ड. गोइंग अहेड विद द अविनाश सर की जो बात थी, यू माइट हैव रेड इन द न्यूज़पेपर कि अगस्त में जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं दैट हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट, दैट हैज़ ग्रोथ डबल टर्म्स में. सेकेंडली दिस हैज़ बीन द बेस्ट थिंग विच हैज़ हैपन टू द SME सेक्टर. आई टेल यू वाई. The transparency level of our country across the globe was very low. SME sectors का जो finance का problem है, जो सबसे बड़ा hurdle है उसको grow करने के लिए, हम कोई भी SME sector से बात करते हैं 50 करोड़ या 100 करोड़ की industry से और उसे पूछते हैं कि भाई तुम्हें 1,000 करोड़ करने में कितना time लगेगा और किस लिए तुम परेशान हो रखें. The first thing which comes to his mind is finance, second is technology and innovations. जो finance का growth है लाइक अवर बैंकिंग पार्टनर हीरो फिनकॉर्प, जो NBFCs हैं, जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं जिनको इतनी दिक्कत होती थी GST विद मतलब बिजनेसेस को फाइनेंस देने में, आफ्टर GST ये फाइनेंस देने में दिक्कतें कम हो जाएंगी, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, SME सेक्टर्स की जो ट्रांसपेरेंसी है फॉरेन से फंड लाने का, प्राइवेट इक्विटी फंड्स इन्वेस्ट करने में, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें इसके साथ कैसे बढ़ना है. जो सर ने कहा कि हम सब भी जानते हैं बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहे हैं कि GST में ऑफकोर्स इश्यूज हैं, लेकिन ये तो होगा ही. आप अपनी कंपनी में नया स्टाफ लाते हैं तो भी वो दिक्कत करता है, नया ERP इंप्लीमेंट करते हैं तो दिक्कत होती है, कुछ भी नया चेंज लाते हैं तो दिक्कत होगी. तो दिस इज़ अ ट्रांजिशन फेज विच वी ऑल नीड टू फेस, वी हैव टू फेस, बट इट हैज़ अ लॉन्ग वे.
जैसे ये नहीं कहा जा सकता कि डीमोनेटाइजेशन अच्छा था या खराब था, बट एक पॉजिटिव शिफ्ट अक्रॉस द इंडिया आया है कि वी नीड टू पे टैक्स, वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट अ इंफ्रास्ट्रक्चर, वी कैन नॉट ऑलवेज ब्लेम द गवर्नमेंट. सेकेंड इज विद द जीएसटी. जीएसटी इज फॉर द गुड ऑफ द कंट्री एंड इट इज गोइंग टू बी गुड एंड सिंपल इन फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. I'll take two things from them. One, celebrating GST, of course. We will be doing it soon. And Mr. Mittal, as he said, ki abhi thoda sa hai crucial time, adjust karenge, but definitely, ek din celebration zarur hoga iske upar. My second question to you would be, what are the issues or challenges do you think अभी जो फेस करे जा रहे हैं, क्या चीज़ों को ध्यान रखना पड़ रहा है SMEs को, और इश्यूज़ बेसिकली कैसे उनको ध्यान में रख के वो लोग सॉल्व करें, कैसे आगे बढ़ें? SME सेक्टर्स के साथ, जैसे हम एज अ CA भी काम करते हैं, एज अ कंसल्टेंट वी आर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी टू लॉट ऑफ कंपनीज. जो बेसिक फैक्टर है, हम लोग हमारे अकाउंट्स टाइम पे नहीं बनाते हैं, हमें बैलेंस शीट नहीं पता है कि हमारी बैलेंस शीट क्या बोलती है. सब दिमाग में चलता है कि हमने इतना कमा लिया, हमने इतना टर्नओवर कर लिया. आफ्टर GST और GST को एक ही तरीके से हम कंप्लाई कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, कि हम अपने अकाउंट्स, हम हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स और हमारे जो ऑपरेशंस हैं उसको स्ट्रीमलाइन करें. अब GST के बाद पता चल रहा है कि हमारा सेल्स चलान तो बनता ही नहीं था, माल चला जाता था. हमारा गेट पास तो बनता ही नहीं था, माल अपने आप आ जाता था. हमारे तो, मैंने तो इस पर्सन से रेट ही फाइनलाइज नहीं किए थे, माल आ गया, कंज्यूम हो गया, उसके बाद मैं उसके साथ झगड़ा कर रहा हूँ कि क्या रेट लगना चाहिए. तो GST हैज सॉल्व लॉट ऑफ ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स. उसने बिजनेस करने का सही तरीका भी हमें सिखा रहा है. तो वही गुड प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जो GST और बिजनेस चलाने में होनी चाहिए, वो हमें अडॉप्ट करनी होगी. अकाउंटिंग कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, हमें एक फुल टाइम पार्ट टाइम अकाउंटेंट से फुल टाइम अकाउंटेंट पे आना पड़ेगा. और अकाउंटिंग और प्लस सॉफ्टवेयर अडॉप्शंस जो हैं, आज मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि एज अ सूरत सिटी वी आर वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी, वी आर वन ऑफ द वाइब्रेंट सिटीज, वी आर वन ऑफ द डिजिटल सिटीज, वी आर वन ऑफ द हैविंग द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर in terms of flyovers, in terms of trains, in terms of flights. Now it's possible because of our honorable prime minister. So we have all the best infrastructures, we have the best SME sectors across the, aap India mein dekhenge to itni SMEs textiles, real estate, jewelry sector mein nahi milengi aapko, aur itni exports karne wali SMEs bhi nahi milegi. Jo hame is level se us level tak le jane wali cheez hai, this is GST, aur hame iska adoption is through accountancy, good practices, accounting softwares and good HR people ko appoint karke hi ye problem solve ho sakti hai, and this will take your business to a greater heights rather than it's an investment which you need to do this year or next year taki aap ye comply karke aage pahunch sake. I think Avinash sir will throw more light on that. This has been rightly said by Abhishek ji, but टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, द मेजर प्रॉब्लम इज द माइंडसेट, इज आवर माइंडसेट. बिकॉज सी, गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग समथिंग टू डू एंड दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम अस ऑल्सो. वी आर एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन बाई द गवर्नमेंट, बट वी आर नॉट इंक्लाइन टूवर्ड्स चेंजिंग आवर ओन माइंडसेट. हम अभी भी वही पुराने माइंडसेट से काम करना चाहते हैं, बट गवर्नमेंट इज pretending towards, or I would say pressing towards going into a scale which is known as transparent scale, jahan pe sab cheeze transparent ho, aapne kya kiya wo transparently dikhe. Lekin unfortunately on this platform I have to say that SME section mein bahut sari probabilities ya bahut sari percentage of entrepreneurs aise hain jo shayad nahi chahte hain ya nahi equipped hain 100% transparent hone ke, because of the a number of reasons. It's not ki they are not intending to do that, there are n number of reasons of it, chahe hamara taxation system hoga ya bahut sare reasons hain including corruption and all. So they are
willing to do it, they are willing to foresee, they are willing to do their work on a transparent manner, in a transparent manner, but they are forced not to do that. Ho kya raha hai? We have borrowed this concept of GST from more than 162 countries. It's a mixed type of law. And what we are trying to do is we are making it 100% online. 100% online hoga to there has to be a fixed templates, fixed, what I can say, positioning of certain forms, which will be fixed for everyone. Chahe wo SME ho, micro scale mein ho, ya wo large scale mein ho. Sabke liye wo same platform pe aayega. So therefore, this is a problem which is not only faced by the business owners, but also faced by the government as such. Because abhi tak government ke structure mein bhi kabhi aisa kaam hua nahi ki aapne ek particular platform pe sabko treat kiya ho. So ye major problem mujhe lagta hai GST implement hone ke baad aur abhi tak aayi hai, which I would say is lack of training to the business community, and at the same time lack of preparation at the end of government. See, aap koi naya change karte ho, agar mujhe apne ghar pe paint bhi karana hota hai ya koi ek chhota sa bhi renovation karana padta hai, to I need to plan. If I am planning my vacation, I need to plan well in advance. I need to be prepared. I need to prepare a checklist, do everything, jot down everything and work out. To hi mera wo successful hota hai event ya vacation. Are you willing to accept this? Aisa hi hota hai na? Government ne wo nahi kiya shayad. Because we have worked very closely with the government since last 3 years while implementing GST. So I am very much aware that the government has taken it one time. Because as long as we delay here, in India there is also a culture that we delay it for 2 months. If one time it has been delayed for 2 months, then what happens in your mind? Now there is 2 months of time, let's wait. Then when the last date comes, then we will say that 2 months has been delayed very quickly. Then 2 months delay it. Because of that, already 12 years have lapsed. So this time the government has decided, no, we are not going to postpone it. Hum iske repercussions, interest, penalties aur usko thoda postpone kar denge. No matter, we are not prepared to the fullest of our extent, but then also we need to implement. They have clearly shown their views and their mindset. Now that it's time to change our mindset, to be in sync with the requirements of the government. And once we are in sync with the requirements of the government will certainly have its own time to get prepared. Abhi aap, don't worry, agar aap written time pe nahi bhar pa rahe hai, compliance time pe nahi kar pa rahe hai, toh don't worry, you will not be penalized, that is for sure. That is for sure, government is prepared for that. But your mindset needs to be changed. Jaise Abhishek ji ne bola ki aapko accounts pe focus karna padega. Pichle 18 saal ki meri CA ki practice mein, maine dekha hai ki accounts is the worst and it's the last option which every businessman thinks about. वो ये जब 30 सितंबर को ऑडिट करना होता है तो 25 सितंबर को अकाउंटेंट को पूछता है पूरे साल में क्या बनाया भाई तुमने, क्यों? बिकॉज ही बिलीव्स कि उसके पास जो एक छोटी सी डायरी उसकी जेब में है ना, ही हैज एंटायर अकाउंट्स विद हिम, उसको पता है उसका बिजनेस क्या है. सो ये जो डुअल अकाउंटिंग होती है ना, नंबर वन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और दूसरा जो दिखाना है उसको, दैट माइंड सेट हैज टू बी चेंज्ड. वंस दैट माइंड सेट गेट्स चेंज्ड, यू विल बी इन सिंक विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. And then the government will get the proper data, and once the data is with the government, certainly GST is going to be very fruitful for each one of us, specifically for those persons who are getting organized. Jo bhi organized log hain, unke liye GST acha hone wala hai. Iska main ek reason batata hu, uske wo substantiate karunga, kyunki GST mein credit rating ka concept hai. GST is a concept of rating. Jo log compliant hain, jo log time pe apni obligations ko fulfill karte hain, their rating can be from rating 1 number to rating 10, aur unka rating 10 hoga. To aaj mujhe agar koi hotel ka room purchase karna hota hai, to I go into various website, yatra.com, make my trip, clear trip, so many websites are there. Then I see multiple options given to me, and then I select certain option, and then I see the feedback of the customer, yes or no. Aaj ke rate mein itna globalized ho gaya. The same is intention of the government also. कि अगर वो सूरत आएंगे तो सूरत में दे विल सर्च कि दिस इज द प्रोडक्ट विच दे वांट एंड हु आर द वेंडर्स ऑफ दोज प्रोडक्ट्स एंड उनका जीएसटी रेटिंग क्या है. आर यू गेटिंग दिस? सो दिस मे बी अ प्रॉब्लम फॉर समवन. मैं हमने पूछा था कि प्रॉब्लम्स क्या है. दिस मे बी अ प्रॉब्लम फॉर समवन एंड दिस मे बी अ अपॉर्चुनिटी फॉर समवन. बिकॉज आपको आपके पास अब सामने से लोग आएंगे, यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर. थैंक यू.
So, sir, जैसे कि अब transparency बहुत हो गई है and returns की frequency भी अब बढ़ गई है, तो फिर इसमें basically precautions क्या लेने पड़ेंगे? अब बहुत ध्यान से of course भरने पड़ेंगे, but you can guide me, guide everyone in fact, कि practice के अंदर इसको कैसे लेकर आए with precautions. I think the answer lies in what Abhishek ji has already discussed. Because now you have to be prepared. Yes. Businessmen are actually very smart. उनको जब compliant होना होता है तो वो अपने आप compliant हो जाते हैं, जो अविनाश जी ने कहा कि mindset बदलने वाली बात है. और secondly, as a businessman, everyone is very well aware कि उसे HSN code कैसे करना है. वो चार बार चार CA को phone अलग अलग same question से पूछ लेगा और aware हो जाएगा कि क्या rate of structure लगना चाहिए, क्या best practices है. But ultimately, our job as a CA, we would also require the entrepreneurs to grow themselves, to grow ahead of this time, to make themselves very compatible, competent enough to fight against the global market. And for that, I think GST is of course an opportunity for all of them. Secondly, kitna achha ek transition phase hai after GST. Lot of businesses have gone digital. Those who have not thought of making a website, not thought of sparing the geographies. I have seen lot of companies जो पहले महाराष्ट्र इसलिए माल नहीं बेचती थी क्योंकि उसमें VAT और CST लगता था, या दिल्ली manufacturing company इसलिए नहीं खोलती थी कि वहाँ के laws बहुत परेशान करते थे state VAT. अब उनके लिए सारी boundaries और barriers सब हट चुके हैं. India is an uniform country for them. वो यहाँ से माल बेचे, वहाँ पे गोडाउन रखे, डेपो रखे. तो हमारा कहना ये है कि द बेस्ट प्रैक्टिसेस, द बेस्ट प्रिकॉशन, ये सब चीज़ भूल के हमें बिजनेस माइंडसेट को देखते हुए ये सारे चेंजेस को अडॉप्ट करना चाहिए. उस माइंडसेट को अकाउंट्स पे फोकस करना चाहिए. अकाउंट्स, जिन भी कंपनियों ने अकाउंट्स पे फोकस किया है, जिन भी कंपनियों ने अकाउंट्स को प्रायोरिटी माना है, इस वन ऑफ द गुड अकाउंटिंग फंक्शंस माना है, एज एन प्रैक्टिस स्ट्रक्चर माना है, वो ग्रो करी हैं क्योंकि उन्हें प्रॉफिट हर महीने पता चल रहा है. हर छः महीने से उन्हें पता है कि उनको कहाँ ग्रो करना है. नेक्स्ट छः महीने का कैश फ्लो पता चल रहा है. अपना दिमाग एक लिमिट तक ही काम कर सकता है. ये भाविन जय शाह ने भी बताया कि चेंज इज द फ्यूचर. सो द सेम वे आप लोगों को अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस, अकाउंट्स, उस पर फोकस करेंगे. दैट इज द ओनली प्रिकॉशन विच दे शुड बी टेकिंग ऑल दैट. और कंसल्टेंट्स हायर कर सकते हैं. आप लोग चार जनों से राय ले सकते हैं. अभी जीएसटी में वैसे भी बहुत फ्री एडवाइसेस मिल रही हैं. देर इज प्लेथर ऑफ एडवाइस. डोंट बिलीव इन व्हाट्सएप. दैट इज वन एंड द ओनली प्रिकॉशन विच आई वुड लाइक ऑल ऑफ द पीपल टू टेक. अपने सीए पे, अपने लीगल एडवाइजर पे, अपने लॉ एडवाइजर पे भरोसा रखें. उनसे पूछें, उनके ऑफिस जाके डिस्कस करें, एंड योर प्रॉब्लम्स वुड बी सॉल्व. नथिंग मोर देन दैट सर. एक चीज अभिषेक जी ने जो बहुत अच्छी हिट की, आई वुड से, इज नाउ वन नेशन वन टैक्स ऐसा बोला जाता है. मैं बिलीव करता हूँ या नहीं, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट वन नेशन वन टैक्स दैट अट्रैक्ट्स ईच वन ऑफ अस आईज की ये क्या है. तो बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत सारे SMEs ऐसे थे जो गुजरात में काम करते थे लेकिन बाहर के स्टेट्स में काम करना चाहते थे और नहीं कर पा रहे थे. रीज़न बीइंग, क्योंकि वहाँ पे उनको उनका VAT लॉ पढ़ना था, वहाँ एक कंसल्टेंट ढूंढना था, वहाँ पे उनको एक जगह ढूंढनी थी, ऑफिस सेटअप करना था. सो वो सारा कम्बरसम एक्सरसाइज ना करना पड़े, इसके लिए वो उसको लेट गो करते थे. सो इज़ इट पॉसिबल नाउ इन GST? 100% इट्स पॉसिबल, बिकॉज नाउ इट्स वन लॉ विच इज़ यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री. एक ही लॉ है. SGST एक्ट भले ही अलग अलग होगा, गुजरात का अलग होगा, महाराष्ट्र का एक होगा, लेकिन उसके सेक्शन 1 से सेक्शन 174 सेम है. देर इज नो चेंज एज सच. सो दिस हैज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ईच ऑफ द SME सेक्टर्स प्लेयर्स. सबके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है कि वी कैन नाउ एक्सपांड आवर विंग्स टू एनी एक्सटेंट. वी कैन गो टू एनी स्टेट, वी कैन प्रैक्टिस. इवन एज अ प्रैक्टिशनर आई एम बेस्ड एट सूरत, आई एम प्रैक्टिसिंग अक्रॉस द कंट्री वंस द GST इज देयर. सो अगर आप यहाँ पे बिजनेस करते हैं, आपकी फैक्ट्री यहाँ पे, तो यू कैन वर्क एवरीवेयर, एनीवेयर. प्लस जो कैस्केडिंग इफेक्ट, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था कि GST लाने का पीछे का जो बेसिक रीज़न था, दैट वाज द कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स, दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिजॉल्व्ड. अब आप यहाँ से माल कहीं भी भेजेंगे, उसके ऊपर जितना भी टैक्स लगेगा, उसका क्रेडिट आपको उस स्टेट में मिल जाएगा. सो योर कॉस्टिंग विल कम डाउन, एंड वंस योर कॉस्टिंग इज गोइंग टू कम डाउन, मेरे ख्याल से आप कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे. एंड वंस यू बिकम कॉम्पिटिटिव, Your business can be scaled up, then certainly it will impact not only you, it will impact your employees, it will impact the entire nation.
तो 110%. लेकिन अभी प्रिकॉशंस की बात, मैम ने कहा प्रिकॉशंस क्या, अभिषेक जी ने अपने लास्ट डिलीब्रेशन में पहले ही डिस्कस कर लिया था कि आपके अकाउंट्स पे आपको ध्यान देना है. मैं ऐसा मानता हूँ कि जीएसटी में सबसे ज़्यादा आपको अकाउंट्स पे ध्यान देने के साथ साथ में एक चीज़ पे ध्यान देना है कि आपको अपने बिजनेस के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए. नॉट ओनली अबाउट योर बिजनेस, आपका अकाउंट्स कहाँ स्टैंड करता है, आप जो प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो उस पर जो टैक्स आप कंप्यूट करके भर रहे हो या कलेक्ट कर रहे हो वो प्रॉपर है या नहीं है. दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ योर प्रोडक्ट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैनॉट रिलाई ऑन एनी कंसल्टेंट और एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट और लीगल एडवाइजर. नो, दिस इज योर बिजनेस, यू आर लायबल फॉर दैट. आप कहीं पे क्लेम नहीं कर सकते कि आपने अविनाश पोद्दार का एक्सपर्ट ओपिनियन लिया था. आई एम चार्जिंग 50,000 रुपीज फॉर ओपिनियन नोट, बट दैट मेक्स नो सेंस, बिकॉज फॉर यू, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर बिजनेस एंड योर प्रोडक्ट. सो वो लेवल पे जाके आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा. दैट इज द प्रिकॉशन एंड वार्निंग ऑन जीएसटी, जो किसी जमाने में एक्साइज में हुआ करती थी, जो सेटल हो गई थी पिछले 20 साल में. नाउ इट हैज अगेन केम अप आफ्टर जीएसटी. सो नाउ केवल हम मार्केटिंग करेंगे या सेल्स करेंगे या अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देंगे, दैट इज नॉट सफिशिएंट. वी हैव टू कंप्लाई विद दिस बिग लॉ जीएसटी. क्यों? क्योंकि आपको अकाउंट्स तो पहले भी बनाना चाहिए था, बना देते आप, ऑडिट भी कराते थे, अपने रिटर्न्स भी फाइल करते थे. तो जीएसटी आने के बाद इतना ज़्यादा ध्यान क्यों रखना है? बिकॉज इफ़ यू विल नॉट पे अटेंशन टू इट, यू विल बी डिक्लेयर्ड एज अ नॉन कॉम्प्लायंट रजिस्टर्ड पर्सन. क्या होगा? नॉन कॉम्प्लायंट रजिस्टर्ड पर्सन, विच इज इनडायरेक्टली नोन एज ब्लैक लिस्टेड रजिस्टर्ड असेसी इन द आईज ऑफ डिपार्टमेंट. मैंने बताया ना, रेटिंग होता है उसमें. एक बार नॉन कॉम्प्लायंस आपका हुआ, लेट से एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपने एक इन्वॉइस इशू किया, दैट इन्वॉइस इज रॉन्ग, जिसका क्रेडिट सामने वाले को नहीं मिला, फिर आपने रेक्टिफाई किया, दिस इज अ नॉन कॉम्प्लायंस, यस और नो? दिस इज नॉन कॉम्प्लायंस. सो दिस नॉन कॉम्प्लायंस विल इफेक्ट योर रेटिंग. तो ऐसे आप 50 बार नॉन कॉम्प्लायंस करेंगे क्योंकि आपके अकाउंटेंट ने गलती की, तो आपकी रेटिंग डाउन होगी. और वंस योर रेटिंग इज डाउन, यू विल बी, आई कैन फोरसी दैट यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट. आर यू गेटिंग दिस? आर यू विद मी? बिकॉज प्रिकॉशन केवल एक ही है जीएसटी में, कॉम्प्लायंस. जीएसटी इज अ कॉम्प्लायंस बेस्ड लॉ, इट्स नॉट अ लीगल लॉ. लीगल तो बाद में देखेंगे, बट मोस्टली कॉम्प्लायंस. कॉम्प्लायंस मीन्स आपके इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस, आपके परचेजेस, आपके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे. आपको पता होगा ना सबको, आप जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करते हो उसके ऊपर आपके क्रेडिट्स, आप जो जॉब वर्क पे भेजते हो उसके डॉक्यूमेंटेशंस, आपको जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, आपके 5 ऑफिस है, 5 जगह सेपरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, दैट इज कॉम्प्लायंस. नॉट फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स. फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स इज अ पार्ट ऑफ इट. डॉक्यूमेंटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट. और मैंने वो देखा है पिछले 18 साल में, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि SME सेक्टर में डॉक्यूमेंटेशन का ठिकाना नहीं होता. दिस इज समथिंग विच यू नीड टू इम्प्रूव, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन टू लर्न इन जीएसटी. अगर हम ये इम्प्रूव कर लेंगे तो 110% SME सेक्टर को कोई बीट नहीं कर पाएगा इन फ्यूचर, दैट इज फॉर श्योर. बिकॉज द कैपेसिटी जो SME सेक्टर की होती है, प्लस जो इन्वॉल्वमेंट ओनर का होता है SME सेक्टर के, दैट इज माइंड बॉगलिंग, एंड नोबडी कैन कम्पीट दैट. बट ओनली थिंग इज यू विल हैव टू बी कॉम्प्लायंट, क्योंकि आपकी गलती ना हो और उसकी वजह से अगर आप नॉन कॉम्प्लायंट डिक्लेयर हो गए और आपकी रेटिंग डाउन हो गई, तो मुझे अगर वो प्रोडक्ट आपका लेना है तो मैं आपके पास नहीं जाऊंगा, आपके कॉम्पिटिटर के पास जाऊंगा जो कॉम्प्लायंट है. तो दैट इज द ओनली प्रिकॉशन विच वी नीड टू टेक. या 2-3 क्वेश्चंस, एनीवन? So, sir, attitude and mindset is one problem, but are people not people who are avoiding this? Is the problem with they are not so equipped with the system to work in a certain system, or they are not so much equipped with the technology? See, so far as getting acquainted with the system and using the same is concerned, I've already mentioned that even the government is not prepared, because the system is still evolving. इट्स स्टिल इन द इवोल्यूशन स्टेज. मैं एक आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ तो उससे आपको क्लियर होगा.
जीएसटी में वी आर एक्सपेक्टिंग कि 3 करोड़ से ज़्यादा एसएससी होंगे. इनडायरेक्ट टैक्स में 85 लाख एसएससी हुआ करते थे, सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स मिला के. एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि देयर विल बी अ टैक्स बेस एक्सपांशन एंड इट विल गो अप टू 3 करोड़ मिनिमम. तो 3 करोड़ के हिसाब से उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसको जीएसटीएन बोलते हैं, कॉमन पोर्टल. एंड उन्होंने बोला कि केवल जीएसटीएन पे अगर हम फोकस करेंगे तो हो सकता है ये कोलैप्स हो जाए. तो लेट अस अपॉइंट सर्टन जीएसपीज, जिसको बोलते हैं जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स. उन्होंने 34 जीएसपीज अपॉइंट किए फेज वन में. डू वॉन्ट टू नो द रियालिटी ऑफ दोज 34 जीएसपीज, इंक्लूडिंग दोज बिग फोर्स जो सीए फॉर्म्स में बिग फोर्स बोलते हैं ना, डिलॉयट ई&वाई, इंक्लूडिंग दोज. आउट ऑफ दोज 34 जीएसपीज सेलेक्टेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओनली 4 आर वर्किंग, 30 आर इनकम्पिटेंट, दे कुड नॉट मैच विद द सिस्टम. क्यों नहीं मैच कर पाए? क्योंकि डेली अपडेट आता है, एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एवरी 10 मिनट्स, एवरी 15 मिनट्स देर इज अ पैच. सो आपको 50-100 लोगों की टीम तो उसी के लिए बिठानी पड़ती है. सो इवन द गवर्नमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड एज ऑन डेट. नाउ आंसरिंग टू योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली, सी वॉट यू कैन डू इज यू कैन मेक योरसेल्फ अश्योर दैट वॉट एवर कॉम्प्लायंस हैज टू बी डन यू आर डूइंग इट. कैसे कर सकते हैं सर? बींग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट आई कैन से दिस, वॉट वी आर डूइंग इज, आप ऐसा करें सर, आपको रिटर्न फाइल करना है, पोर्टल नहीं चल रहा, हार्ड कॉपी में रिटर्न बनाइए, कमिश्नर के साथ भेज दीजिए. यू वर्क रिटर्न इज नॉट वर्किंग, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम. आप कंपोजिशन में अभी कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं तो वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम का प्रॉब्लम है. बट क्या होगा सर, 3 साल के बाद जब ये लोग आएंगे आपके पास ऑडिट करने या इन्वेस्टिगेशन करने, तब उनको ध्यान नहीं होगा, इनकी मेमोरी बहुत छोटी होती है ना, बहुत शॉर्ट होती है, तो उनको ध्यान नहीं होगा 3 साल पहले मेरा सिस्टम डाउन था, इसके लिए भी ये रजिस्टर नहीं कर पाया या रिटर्न नहीं भर पाया, तो पेनल्टी मांगेंगे आपसे. तो वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक योरसेल्फ श्योर दैट यू आर फॉलोइंग द सिस्टम्स इवन दो द सिस्टम इज नॉट वर्किंग. तो आपके पास फॉर्मेट्स हैं, फॉर्म्स हैं, मेक योर सेल्फ इक्विप कि वो फॉर्म्स भर के आप टाइम पे वहाँ पे पहुँचाएं. ऑफलाइन ऑनलाइन इट वॉज नॉट वर्किंग, सो वी हैव सबमिटेड ऑफलाइन, एज सून एज इट विल स्टार्ट ऑनलाइन विल बी सबमिटिंग ऑनलाइन. दिस इज वन थिंग दैट यू कैन डू. सेकेंड आता है ट्रेनिंग. अभिषेक जी ने बोला हमारे यहाँ प्रॉब्लम अभी क्या हो गया है देश में, सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप पर रिलाई करते हैं. मेरा एक पोर्टल है gstclub.in करके, यू विल फाइंड देर आर मोर देन 1000 क्वेरीज पर डे, और वो 1000 में से 800 क्वेरीज कौन सी आती हैं कि हमने व्हाट्सएप पे ये पढ़ा है ये सही है या गलत है. मीन्स दे आर नॉट रीडिंग द लाइन्स ऑफ द लॉ, दे आर रीडिंग व्हाट्सएप एंड देन सेंडिंग द क्वेरीज. तो आपके जो दिमाग के जो क्वेरीज है, सबसे पहले तो वो व्हाट्सएप को आप साइड में रख दीजिए जब जीएसटी की बात होती है या कोई भी लॉ की बात होती है, एंड रिलाई ऑन योर कंसल्टेंट. एंड उनको आप इतना बोलिए कि आप सिस्टम डिपेंडेंट मत रहो, बिकॉज सिस्टम इज गोइंग टू टेक इट्स ओन टाइम. अभी इन्फोसिस कर रहा है, उनकी मीटिंग चल रही है, एक अलग कमिटी बनाई है, उनकी मीटिंग है अभी परसों, वापस मीटिंग है, दे आर वर्किंग ऑन इट एंड इट विल टेक इट्स ओन टाइम. एक दिन में नहीं होने वाला है, बहुत बड़ा चेंज है, इट विल टेक इट्स ओन टाइम, मे बी 5 months, 6 months भी लग सकते हैं. आप अपनी फाइलिंग्स जो आपको करनी है, मेक दोज ऑफलाइन फाइल्स एंड गिव इट टू द ऑफिस ऑफ कमिश्नर, योर सिस्टम्स आर ओवर, राइट. एंड ट्रेन योर मैन पावर, जितने भी जो आपके अकाउंटेंट्स हैं उनको आप ट्रेन करिए कि आपको क्या क्या कॉम्प्लायंस करनी है. प्रिपेयर अ चार्ट वेर यू मेंशन ऑल दोज चेकलिस्ट कि ये डेट्स पे आपको ये करना है, ये डेट पे ये करना है, ये डेट पे ये करना है. आस्क योर कंसल्टेंट टू डू इट एंड फिक्स इट अप सो दैट कैन बी कॉम्प्लायंट विथ. बस आप इतना करिए, नो बडी और नो लॉ कैन डैमेज इवन 0.01% ऑफ योर क्रेडिट. सिस्टम काम नहीं करता, आप डोंट वरी अबाउट इट. अविनाश जी, व्हाई प्रोफेशनल टैक्सीज हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन जीएसटी? इट इज ऑल्सो अ सर्विस. सी देर आर मोर देन 37 टाइप ऑफ tax laws which were applicable to each one of us indirectly or directly, chahe wo entertainment tax bole, professional tax bole ya kuch bhi. Inhone kya kiya tha, I got it. Now
फॉरगेट अबाउट प्रोफेशनल टैक्स. प्रोफेशनल टैक्स तो फिर भी ठीक है, आप इंप्लॉय से डिडक्ट करते हैं या प्रोफेशनल से आप चार्ज करते हैं, राइट. सबसे इंपॉर्टेंट है यस स्टाम्प ड्यूटी, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी. इवन दे हैव नॉट इंक्लूडेड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी. सो आवर इंस्टीट्यूट हैड रिकमेंडेड 7-8 थिंग्स. हम लोगों ने रिकमेंड किया है कि दैट हैज टू बी इंक्लूडेड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन जीएसटी लॉ. बट इशू इज कि अभी वापस जीएसटी में अगर उसको इनकॉर्पोरेट करना है तो वी विल हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विल टेक अनदर 10 ईयर्स. सो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, बिकॉज जीएसटी काउंसिल के ये हाथ में नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी, स्टाम्प ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्सेस, दीज आर नॉट इन द किटी ऑफ द जीएसटी काउंसिल. एंड आप कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो ये लॉस में ये टैक्सेस लेवी करने की पावर्स अभी लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई है. इट इज़ नाउ वेस्टिंग विद द लोकल अथॉरिटीज. तो लोकल अथॉरिटीज अब आपके ऊपर स्टाम्प ड्यूटीज लगा सकती है, एंट्री टैक्स लगा सकती है, या वो जो भी स्टेट गवर्नमेंट पहले लगाती थी वो लोकल गवर्नमेंट लगा सकती है. सो दिस इज एन एम्बिग्यूटी आई वुड से, एंड वी विल हैव टू वेट एंड वॉच टू गेट इट रिजॉल्व्ड. Sir, you told one nation, one tax. Correct. So will that tax holiday concept and SEZ concept, will it be demolished? It is not being demolished. Of course, it will not be available for the future years. The SEZ holidays which were available in Uttarakhand or some of the areas. But it will not be a problem for even them, because the concept of one nation, one tax is to create an equilibrium platform for every state. And state subsidies, like which are available in textiles also, the state subsidies in northeastern states, what they are doing is for developing the cotton textile industries, they are giving subsidies in the northeastern states also. So this state subsidies would be a way how to make the SME sector or the medium industries to grow. But of course, from the taxation point of view, they would be brought out from the one platform level. SEZ laws still are to be like converged with the GST. There are still some differentiations. They are not on the same page. They are not on the same point. But of course, within 2 months, they'll brought in the concept of the export oriented units also. But the tax would be, having said that, the tax would be on one front point of view only. Thank you. Just I would like to add one thing. So far as SEZ is concerned, see, there is a concept of zero rate supply in GST. What is zero rate supply? When you are exporting something, goods or services, or when you are supplying to SEZ, it becomes an export. So SEZ Act mein SEZ ko exemptions milte hain, income tax mein usko exemptions milte hain, aur SEZ is not India. That is not considered as an India. तो एस सी जेड में कोई भी बिजनेस होगा, उस पर कोई भी इनकम जनरेट होगा, वो भी एग्जम्प्ट रहेगा, और वहाँ से कोई भी सप्लाई रहेगा, दैट विल बी एक्सपोर्ट. एंड इट विल बी, लेट से सूरत में सचिन में एस सी जेड है, वहाँ से मैं सिटी लाइट पर कुछ मंगाता हूँ, तो दैट इज एन इम्पोर्ट फॉर सिटी लाइट. सो इम्पोर्ट पर जैसा ड्यूटी पहले लगता था, वैसे ही अभी भी लगेगा. एस सी जेड के लिए एग्जम्प्ट है, लेकिन मैं अगर सिटी लाइट से सूरत के एस सी जेड में बेचता हूँ, सप्लाई करता हूँ, सो इट इज एग्जम्प्ट. और उस पर जितना भी मैंने इनपुट यूज किया होगा, वो पूरा मुझको रिफंड मिलेगा. दैट प्रोविजन इज स्टिल देयर इन जीएसटी. सर, दिस इज इन कंटिन्यूटी, कैन यू अलाउ मी प्लीज, इट इज इन कंटिन्यूटी विद द प्रीवियस क्वेश्चन. सर, दिस इज इन कंटिन्यूटी विद द प्रीवियस क्वेश्चन. इट वॉज अ हिडन क्वेश्चन दैट यू रिस्पॉन्डेड दैट द लोकल गवर्नमेंट्स आर नाउ एंटाइटल्ड टू टेक अप दिस टैक्सेस. सो इज इट नॉट दैट double taxation is entering the backway doors? 100% yes, I agree. But my perspective in that thing is that morally they'll not be doing that. So they'll not be putting the double taxation in the sense of it will create a hue and cry. No, so they may start in certain states. My opinion is like they may not morally they will not be doing so. I am not sure of practical things. See, but the logic of doing that is, जो उन्होंने जब constitution amend कर रहे थे, जो logic दिया था, वो logic ये था कि हर state की revenue depend करती है कि क्या होती है. Compensation Act उस वक्त बना नहीं था GST का, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे को कहीं तो कोई security देंगे ना, कि अगर हमारे revenues drastically drop हो जाते हैं because of implementation of GST, then we should have one corner of implementing certain taxes, and that power should be given to the local authority.
कि वो देखेगा अभी महाराष्ट्र में लगता है कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लगता है कि नहीं यहाँ पे करना चाहिए तो करेगा लेकिन थाने वाला नहीं करेगा. सो दैट डिपेंड्स ऑन द लोकल अथॉरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. बट यस आई अग्री टू योर रिमार्क्स. प्लस दे हैव एडेड एंड दे हैव स्टार्टेड डूइंग इट इन वेरियस स्टेट्स. दे हैव स्टार्टेड इन कर्नाटक एंड दे हैव स्टार्टेड इन बॉम्बे ऑल्सो. हेलो हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी जीएसटी के अंदर मुझे मेरा पूरा जो सेल्स है वो गवर्नमेंट को दे देना है. गवर्नमेंट के पास ये भी डेटा आ गया कि मैंने कितना परचेस किया, यानी मेरा पूरा जो अकाउंट ऑफिस था वो रास्ते पे आ गया. अभी मेरा डेटा का सिक्योरिटी क्या? इसमें सुविधा पोर्टल अलग से लगा दिया सर. गवर्नमेंट कोई दिल्ली में बैठी गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट है कि जो ये सब मेंटेन कर रही है, तो मेरा डेटा का सिक्योरिटी कितना बता दें. पहला आपका जो क्वेश्चन था कि आपके परचेज और सेल दोनों एक्सपोज हो रहे हैं. लोगों को डर ये नहीं है डेटा सिक्योरिटी का, लोगों को डर ये है कि अब इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट कैसे करेंगे. यस यस दे आर गेटिंग अफ्रेड ऑफ. यस एब्सोल्युटली यस. सो मैं एक स्टेप और आगे जाता हूँ सर. गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है अपने पोर्टल को इस तरीके से कि जहाँ पे इनवॉइस भी आपको उसी पे बनाना पड़ेगा. यू विल बी जनरेटिंग इनवॉइस नॉट फ्रॉम एनी अदर सॉफ्टवेयर अदर देन GSTN. उससे आपको फायदा क्या होगा? यू विल नॉट बी रिक्वायरिंग एनी फाइलिंग ऑफ रिटर्न हैसल्स. यू विल नॉट बी फेसिंग एनी सच हैसल्स. आपने रिटर्न में अपने सॉफ्टवेयर में से अपने इनवॉइस बनाए, वैसे सामने वाला बनाएगा तो आपके इनपुट्स में दिखेगा, आप बनाएंगे तो आपके आउटपुट्स में दिखेगा, आपका रिटर्न ऑटोमेटिकली फाइल हो जाएगा. ये गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस है. दिस इज व्हाट दे आर इंटेंडिंग टू डू इन द नियर फ्यूचर. एंड वंस दैट इज डन, आई कैन स्पीक वेरी ओपनली इन दिस फोरम इटसेल्फ, इनकम टैक्स इज गोइंग टू बी ऑब्सोलेट. इनकम टैक्स निकल जाएगा सर. एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि 2019 में, मैं इंटरनल बात बोल रहा हूँ बट कॉमन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ बिकॉज दैट इज इन द पब्लिक प्लेटफॉर्म. आप हमारे इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट्स की स्पीचेस देख सकते हैं, सुन सकते हैं. इनकम टैक्स इज गोइंग टू बी अबॉलिश्ड एज पर द पॉलिसी प्रिपेयर्ड बाई द गवर्नमेंट फ्रॉम 2019 ऑन इंडिविजुअल्स. आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, ऑन इंडिविजुअल्स. इट्स नॉट गोइंग टू बी अबॉलिश्ड ऑन फर्म्स, कंपनीज और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन. इंडिविजुअल्स पर निकल जाएगा, बिजनेस फॉर्म्स वगैरह पर रहेगा. अब आते हैं सिक्योरिटीज पे. सर पहली चीज ये है कि जो GSP अपॉइंट किए हैं उसमें सिक्योरिटीज के लिए दे हैव केप्ट ईच चेक्स एंड बैलेंसेस. लेकिन GST लॉ अगर आप देखते हैं तो उसके सेक्शन के प्रोविजंस अगर आप पढ़ें तो उन्होंने क्लियरली लिखा है कि 7 साल तक उस डेटा को सिक्योर करने की जवाबदारी आपकी है. इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और द GST प्लेटफॉर्म. सेकेंड, टेक्निकली मैं आपको बताऊं तो जो GSTN पे आप डेटा अपलोड कर रहे हैं वो उस पर सेव नहीं होने वाला. दैट डेटा इज ओनली टू बी अपलोडेड एंड मैच्ड एंड द रिटर्न टू बी फाइल्ड. आपका कोई भी डेटा इनवॉइस का वो GSTN के प्लेटफॉर्म पे स्टोर नहीं होगा कि आप 7 साल, तो 2 साल, 5 साल के बाद कभी भी उसको, आपका सर्वर अगर क्रैश हो गया तो आप उसमें से डेटा निकाल लो. नो सर, दैट इज नॉट अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाई GSTN. सो प्लीज कीप दैट इन माइंड कि 7 साल तक उस डेटा को सिक्योर करके आपको रखना है. अब आपने सुविधा प्रोवाइडर्स की बात की तो सुविधा प्रोवाइडर्स के लिए उन्होंने 2 conditions रखी हैं. पहली कंडीशन ये रखी है कि अगर आप GSP हैं एंड इफ यू गिव अ और एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद योर कस्टमर वेर इन यू आर सपोज टू मेंटेन दैट सिक्योर डेटा फॉर 7 years, तो आपको एक अलग से डेडिकेटेड लीज लाइन दी जाएगी जहां पे वो डायरेक्ट कनेक्टेड रहेगा GSTN के सर्वर के साथ, तो आप सिक्योरिटी दोगे. और अदरवाइज वो सिक्योरिटी वो भी नहीं देगा GSP भी, आपको सिक्योरिटी खुद अपने आप अपने सिस्टम पे रखनी पड़ेगी. सो प्लीज एक चीज अगर दिमाग में है कि GSTN पे डेटा अपलोड करने के बाद वो वहां पे डेटा रहेगा, नहीं सर, वहां कोई डेटा नहीं रहेगा. वो केवल एक बार फाइलिंग होगा और उसका रिकॉर्ड रहेगा, दैट्स इट. डेटा तो आपसे ही मांगेंगे बार बार, या फिर वो GSP के पास रहेगा, 2 में से तीसरी बार कहीं नहीं जाएगा. तो इसलिए दे हैव मेड श्योर, क्योंकि आपका डेटा है सर, आपके बिजनेस का, इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल डेटा, यू कैनॉट शेयर दैट डेटा विद एनीवन, राइट?
So that is not going to be misused because they are not going to retain that data, that is for sure. Secondly, मैं इसमें एक बहुत important point add करना चाहूँगा कि आप लोग जो सोच रहे हैं कि भाई GST इनको दे दिया, government वो data का क्या करेगी? पहली बात तो government को उस data से मतलब नहीं है. हमने से जितने भी लोगों ने इधर returns भरे होंगे, हम सब जानते हैं हमने वो return कैसे भरवाए होंगे. Mails किए होंगे अपने CS को, अपने accountant से mail करवाया होगा. हम में से कितने लोगों को ये पता है कि हमारे dedicated mail अकाउंट्स जो होने चाहिए उसके सिक्योरिटी फीचर्स पहले हम ध्यान रख लें, फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें करें कि GST हमारे डेटा का क्या करेगा. पहले हम हमारे ऑफिसेज़ के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, जो कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं, जो पेन ड्राइव्स यूज़ हो रहे हैं, जो लैपटॉप्स यूज़ हो रहे हैं, और जिस तरीके से आप अपने रिटर्न फाइल कर रहे हैं, पहले उतना बेसिक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करें. क्योंकि वो पेन ड्राइव अगर आपका अकाउंटेंट आपका डेटा भी रख रहा है, 10 लोगों का और का डेटा रख रहा है, तो वो डेटा आपके कॉम्पिटिटर को जा रहा है. GSTN का डेटा तो पता नहीं किस दिन यूज़ करेगा, कौन यूज़ करेगा, वो टेराबाइट्स ऑफ डेटा है. उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में जमाना लगेगा. बट द बेसिक जो हमारे घर में गंदगी है पहले उसको ठीक करें, उसके जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे ऑफिस का ख़राब है पहले उसे ठीक कर लें. आई थिंक नेवर योर डेटा वुड बी लॉस्ट, स्टोलन और गोइंग टू द रॉन्ग हैंड्स. दैट इज़ द मेन प्रायोरिटी जो हम लोग नहीं करते हैं अभी, वो करना ज़्यादा ज़रूरी है. थैंक यू. Thank you for enlightening our audience today here. Thank you so much. It was a pleasure having you. Can we have an applause?